वो क्या उम्मीदें रखते हैं। तो सबसे पहले आलिया से ही बात स्टार्ट करते हैं। आलिया, कार्ड्स की तरफ मैं बाद में आऊँगा, मुझे बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट करिए, क्वेटा या पिशावर? मैं क्वेटा को, क्वेटा को सपोर्ट करिए, क्वेटा को, बिकॉज सरफराज फ्यूचर कैप्टन है और वो धोखा नहीं देता। अच्छा। तो फॉर सम रीज़न मैं क्वेटा को सपोर्ट, लेकिन वो पिशावर में क्योंकि जलमी की टीम में शाहिद आफरीदी हैं, बहुत से लोग जो है वो आफरीदी की वजह से जलमी के साथ। हाँ, लेकिन सम रीज़न जो क्वेटा के साथ मेरी है। चले, आप तो शुरू से ही क्वेटा के साथ। ठीक है, क्वेटा और पिशावर का फाइनल होने के लिए जा रहा है, आपके कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे? मेरे कार्ड्स कंसिस्टेंटली जलमी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, थ्रू आउट। हाँ, कि जलमी फाइनल में जीतेगा। एक बात होती है, दो फैसले होते हैं, एक गेम से पहले हो जाता है, ग्राउंड से बाहर, जो पता नहीं कौन करते हैं, उस हिसाब से ग्लैडिएटर लगता है क्वेटा। अच्छा, लगता है। अच्छा। कि जब उतरेंगे ना तो होगा ये कि आज क्वेटा ने जीतना है, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पर जैसे इत्तफाक से या हारते हुए या कैसे भी जलमी ले जाएगा ट्रॉफी। तो इस दफ़ा जलमी जो है वो चैंपियन बनने के चांस मौजूद है, मुझे ये लगता है। बहुत कांटे का मुकाबले, बहुत बराबर है। जब मुझसे ये पूछा जाता है तो मुझे समझ नहीं आती मैं क्या कहूँ, जैसे एक रन का फर्क नहीं होता वैसे। तो फाइनली लगता यह है कि वो जो एक रन है ना, इस दफ़ा वो जलमी को मिल जाएगा। अच्छा, यानी कि वो जो एक रन जिससे पहले ये मैच आ रहे थे क्वेटा से, वो इस दफ़ा जलमी का है। वो जलमी का है, समहाउ दिया था। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तमाम तर कोशिशें जो हैं पीसीबी की जानिब से, पंजाब हुकूमत या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, वो हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में वापस लाया जाए। किस हद तक ये PSL सपोर्टिव हो सकता है, ये जो फाइनल हम करवाने के लिए जा रहे हैं, किस हद तक ये सपोर्ट कर सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के? अजीशान, ऐसा है कि ये जो साल है ना 2017, ये है नए आगाज़ का साल। अच्छा। बिगिनिंग्स, इसमें न्यू बिगिनिंग्स हैं और पुराना जो सिस्टम है वो ख़त्म होगा, नया सिस्टम शुरू होगा। सन 2009 से जो हम देख रहे थे कि क्रिकेट नहीं हो रही थी, वो अब होगी। और ये जो एफर्ट है ये बहुत खुशाइंद है। अच्छा। इस वजह से जो इनके PSL की वजह से जो टूर्नामेंट नेक्स्ट इंटरनेशनल में पाकिस्तान में देख रही हूँ, वो अगले साल देख रही हूँ। मुझे लगता है अगला PCL जो सीज़न थर्ड है वो भी शायद पाकिस्तान में ही हो। अच्छा, 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी पाकिस्तान में मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, बिकॉज ये साल नए उसका है, नए सिस्टम्स का, और अगला साल जो है उनकी स्टेबिलिटी का है। सही। तो ये स्टेबल एटलीस्ट PSL पाकिस्तान में होगी, और ये मुझे लगता है कि मई 2018 से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान की कौमी टीम जो कि बहुत ज़्यादा नशीबो फराज का शिकार गुज़श्ता दिनों में रही है, उसका क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं आप आने वाले? पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सरफराज की बात कर रहे थे, सरफराज जो है वो मुझे कैप्टन लगता है हमेशा से, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा। वो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान को लीड करने जा रहा है, और पाकिस्तानी टीम जो है ये अपना मकाम वापस बहाल करेगी। और आने वाला, ये कुछ दिन पहले भी मैंने चेक किया था, ऐसे जब एक क्रिकेट का बुखार चढ़ जाता है ना, तो और से और जिसका जो काम हो वो वही करता है। तो मैं चेक कर रही थी, मुझे लग रहा था कि इस दफ़ा का जो वर्ल्ड कप है वो भी पाकिस्तान आएगा। अच्छा, ये तो मैं कोई हाइप नहीं दे रही कि मैं मजाक कर रही हूँ या वैसी बात कर रही हूँ, ये मेरे हिसाब में आ रहा।